आज प्राइवेट स्कूल में जो आप लोगों ने विजिट किया, इसका मोटिव क्या था? हाँ, इसमें कुछ इनपुट्स थी कि कुछ लोग जो हैं जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की हदायत के मुताबिक अपना टाइमिंग जो था वो ओबे नहीं कर रहे थे। हालांकि फ्लिपकार्ट इंस्ट्रक्शन हैं कि 10 बजे से लेके क्लासेस स्टार्ट करनी है, ये 9 या 9:30 से स्टार्ट कर रहे, तो इसी सिलसिले में हम आज एक मिशन पे हैं कि जो भी ये लोग जिनमें अपनी मनमर्जी जो है ये बसेस में ओवरलोडिंग करके बच्चों को जो है ये लोग ज़्यादा बच्चे बैठा के लाते हैं, वो भी एक शिकायत रहती थी, तो इसी सिलसिले में हमने सुबह से एक इस एरिया का जो है पूरा एक समझें कि क्रैकडाउन लगाया हुआ था। इनकी बसेस भी हमने चेक की तो उनमें हमें कुछ लगा नहीं कि ओवरलोडिंग थी, तो फिर स्कूल भी उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि यू हैव टू ओबे the orders of the director of school education regarding timing and pertaining to the books taught in the schools. They इनको NCERT ही पढ़ाते हैं, तो दूसरा जो 10-15% जो है एज पर नॉर्म जो है BPL बच्चों को इन्होंने फ्री एजुकेशन देने या हमने वो रिकॉर्ड भी चेक किया और कुछ रिकॉर्ड हमने अपने ऑफिस में मंगवा लिया, अब वो कल पहुँच जाएगा तो वहाँ वेरीफाई करेंगे कि फी स्ट्रक्चर जो है इनका जो अप्रूव्ड है उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं कितने लेते हैं उसको भी हमने देखेंगे अच्छे तरीके से। हमने सारे इनके जो है रिकॉर्ड वो मंगवा लिया है और सिलसिले में हम आज मिशन पे हैं, सुबह सुबह निकले थे 8 बजे, तो आज ठंडक में हमने नॉर्मल स्कूल भी देखा, उसके बाद ये जो मारूफ अकेडमी है उसमें भी अभी से निकले हैं।